गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आई होप दैट ऑल यू आर फाइन. टुडे वी प्रैक्टिस सम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द चैप्टर थोरोली, देन यू कैन नो अबाउट द पिक्चर्स, वॉट दीज पिक्चर्स वॉन्ट टू कन्वे मैसेज, वॉट टाइप ऑफ मैसेज दे वॉन्ट टू कन्वे. ओके, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन अंडरस्टैंड होल द चैप्टर. एंड आफ्टर दिस आई विल सेंड यू अ टेस्ट पेपर विच यू अटैम्प्ट इन 40 minutes. आफ्टर दैट यू एंड नेक्स्ट डे आई ऑन मंडे आई विल सेंड यू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके, सो बेटा लुक एट दिस पिक्चर एंड देखो नीचे इसमें क्या है. यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन है. फिर ये है आपका द फीडिंग फीचर्स. कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्राई टू क्रिएट अ यूरोपियन Constitution. The attempt failed. Here is a cartoon impression of this attempt. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और वो जो है सक्सेस नहीं हुआ, तो कार्टूनिस्ट उसको दिखाना चाह रहा है. तो इसमें लिखा है कि अब ये आपसे क्वेश्चन है. देखो बेटा, आपको आपने फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था. 1791 के अंदर फ्रांस ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया था. तो फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो जाए. और फिर बहुत सारे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो होता रहा. उसके बाद बेटा फिर उस लीक पोल पता चलती जाती है और आगे आगे वो सक्सेस होता चला जाता है, ठीक है, उसमें अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं. तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डज दिस ऑलवेज हैपन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. क्या ये हमेशा होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था सक्सेस, क्योंकि आपको याद होगा नेपोलियन ने दोबारा से वहाँ पर क्या कर लिया था, पूरा उसको गेन कर लिया था, दोबारा से ओवरथ्रोन कर दी थी वहाँ की डेमोक्रेसी एंड उसने वहाँ पर डिक्टेटर बन गया. तो इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सक्सेस नहीं हुआ. तो इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या ये हमेशा होता है? तो आप क्या लिखोगे? होता है कोई ऐसा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है अब, तो अमेरिका का भी सक्सेस है, इंग्लैंड का भी है, तो लिखोगे नो, डज नॉट हैपन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर इलेक्टेड आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. द अटेम्प्ट फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी सक्सेस. अगर आप सबको साथ लेकर चलोगे तो क्या होगा? वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है. अब इसी तरह बेटा ये हम आपको दूसरा पढ़वा रहे हैं, रीड. ये देखिए दूसरी, ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक में है. रीड द कार्टून एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7. गिव इन ग्लो आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो. अब इसमें ये पढ़ेंगे आप, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव एड्रेस देमसेल्फ अ वेरी डिफरेंट एस्पिरेशन. हियर इज अ नेहरू ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट विजन एंड आइडियोलॉजी, ठीक है. अब इतना बड़ा कंट्री है इंडिया में ना, ये कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ ये अनपढ़ हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सारे हैं ना, तो इन पे इनको किस तरह से आप साथ लें. तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीन अपने है ना इनकी है ना, तो ये ट्राई कर रहे हैं इन सबको बैलेंस करने के लिए, सबकी नेगोशिएशन की जो वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस कार्टून, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट डज डिफरेंट ग्रुप्स स्टैंड फॉर. द कार्टून रिफ्रेस डिफरेंट रिलीजन कल्चर कास्ट रिलीजन हैविंग द प्रेफरेंस एंड द लिबरल नेशनलिस्ट एंड द रेडिकल नेशनलिस्ट.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी ग्रुप्स के नाम लिख सकते हो, है ना, पुअर, रिच, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड एंड डिफरेंट रेडिकल्स, नेशनलिस्ट, ये भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू थिंक प्रिवलेज इन द बैलेंसिंग एक्ट, बोथ द सॉन्ग जन गण मन एंड वंदे मातरम वर एक्सपेक्टेड एज द हेरिटेज, द फर्स्ट इज अवर नेशनल एंथम एंड सेकेंड इज अवर नेशनल सॉन्ग, द इंडियन सॉ रिस्पेक्ट एंड सिंग बोथ सॉन्ग डिस्पाइट द मैनी डाइवर्सिटीज, लैंग्वेज, कस्टम्स, कल्चर एंड द फेस्टिवल्स, एंड द होल कंट्री हैज सेम रिस्पेक्ट नेशनल सॉन्ग एंड द ट्राई कलर फ्लैग, दिस बैलेंस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि बेटा हम लोग सब है ना एक ही फ्लैग को मानते हैं, एक ही हमारा जो है सॉन्ग है, हमारा नेशनल एंथम सेम है, वो सब लोग एक ही गाते हैं, यही हमारी अनेकता में एकता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कार्टून जो है आपकी इस वाले चैप्टर के अंदर, रीड द कार्टून एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 गिविंग द ब्लो द आंसर क्वेश्चन, नाउ दैट देन द एग्री टू ज्वाइन हैंड्स एंड एक्सपेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी सून, आई गॉट द पेपर, आई विल राइट इट, आई हैव गॉट द पेन, है ना, तो ये कह रहा है मुझे पेपर दो मैं उसको लिखूँगा, वो कह रहा है पेन दो, है ना, और ये कह रहा है आई हैव गॉट द इंक, लेट अस राइट इट, मेरे पास इंक है, तो ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि बहुत, ये तो देखो ये कह रहा है कि बहुत जल्दी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा, बट पीछे वो लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहा मेरे पास पेपर है, वो कह रहा मेरे पास पेन है, मुझे दो पेन, वो कह रहा मेरे पास इंक है, तो फिर नीचे आप इसको पढ़ेंगे, द राइटिंग ऑफ द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कलप्स ऑफ सद्दाम हुसैन रिमाइंड शॉ द लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट एथनिक ग्रुप ऑफ द कंट्री, व्हाट डू दीज डिफरेंट पीपल स्टैंड फॉर, कंपेयर द कन्फ्लिक्ट डिस्पाइट हेयर द डिपेक्टेड अर्लियर कार्टून यूरोपियन यूनियन इन इंडिया। अब ये बेटे सद्दाम हुसैन की डेथ इराक में हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक अपना फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ट्राई करी, तो वो तो कह रहे थे हम अपना बड़ी जल्दी लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पर पीछे जो है ना इस तरह से लड़ाई हो रही है। अब इसके आपको मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन क्या क्या है बच्चों, वॉट डू दीज डिफरेंट पीपल स्टैंड फॉर, ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे द कार्टून रेफर दिस डिफरेंट ग्रुप इराकीना साइड सिया सिन्नी है ना अदर डिफरेंट टाइप ऑफ मुस्लिम सुन्नीस एंड द शियाज है ना, एंड दूसरा है कंपेयर द कन्फ्लिक्ट डिस्पाइट हेयर विद द डिस्पेक्ट ऑफ अर्लियर कार्टून यूरोपियन यूनियन, तो इसमें लिखोगे आप लोग द यूरोपियन यूनियन अटैम्प्ट ऑफ द पीपल फेल्ड बट इन इंडिया दिस अटैम्प्ट वॉज गॉट सक्सेस, तो इंडिया में जो है हमने इसको सक्सेस कर लिया था बट वहाँ पर क्या था ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब है आपका इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब लास्ट जो है आपका वो है ये, रीड द कार्टून एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 गिविंग ग्लो एंड द क्वेश्चन आंसर्स इज, ये है आपके ये है आपका दिया हुआ है 14 पेज पर, तो ये वाट इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें ये यहाँ पर दिया हुआ है इराक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे हम कार्ड से घर बना देते हैं ना, इस तरह से उन्होंने ये बनाकर खड़ा कर दिया, देखने में ये लग रहा है बट ये हाथ लगते गिर जाएगा ना, कहते हैं ना कागज़ का घर है ना, इसी तरह से कार्ड से इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं ना सजा लिया। तो व्हाट डज द कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कास्ट कैस्टल ऑफ कार्ड्स, बिकॉज इसमें लिखोगे आप इज़ इट बींग
prepared by the pro-US, the people as well as the Constituent Assembly of Iraq is not representing all the ethnic groups of country, hence the constitution is imposed and will the scattered as the castel and card. Next, a word, would this description apply to the Indian constitution? No, it is not apply on Indian constitution, because Indian constitution is imposed on India, but it was formed by among the different shades opinion after the long discussion and debate. It was adopted by the people willfully. It was living document and amended from time to time at per aspirations of the people. So these are the question paper, and I will send you assignments of first chapter, a very short type of question answer, and on Monday I will send the answer of these question. Have a nice day.